Hello everyone, I am Rahul. Welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the revision series which we have started for the subject of costing, and this is the second revision lecture of the costing. So pehle maine costing ke upar cost control account ka एक रिवीजन सीरीज डाला है. अगर आपने वो अब तक नहीं देखा तो वो लेक्चर को ध्यान से देखें ताकि आपके जो बेसिक जनरल एंट्रीज है जो आपके कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट में आ सकते हैं वो आपके क्लियर हो जाए. सो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर. तो प्रोसेस कॉस्टिंग एग्जाम में आपके 15 मार्क्स के ऊपर पूछा जाता है, और यूजुअली दो क्वेश्चंस प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर पूछे जाते हैं, और आपको दो क्वेश्चंस में से कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए जो लेवल्स है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड फैक्टर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट लेवल इज़ नॉर्मल लेवल, जिसमें आपको एबनॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन का कैलकुलेशन करना है, काफ़ी सिंपल लेवल पे. फिर सेकेंड है हमारा सेल का लेवल, जिसमें क्वेश्चन में आपको सोल्ड और ट्रांसफ़र ऐसे दो पॉइंट्स दिए जाते हैं. और तीसरा है हमारा स्टॉक लेवल. स्टॉक लेवल में आपको तीन प्रोसेस रहेंगे, तो 3 × 2 6 लेजर्स बनाने पड़ेंगे, 3 उसके प्रोसेस और 3 उसके स्टॉक. सो अगर हम चेक करें तो ये सेल वाला लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हर पेपर में सेल वाला लेवल आया है. कभी किसी पेपर में नॉर्मल लेवल के ऑप्शन में सेल वाला लेवल आया था, कभी किसी पेपर में सेल वाले लेवल के ऑप्शन में स्टॉक वाला लेवल आया था. बट मैं प्रीफर करूंगा कि आप सेल वाला लेवल तो पढ़ के ही रखें. स्टॉक वाला लेवल है इजी, बट स्टॉक वाला लेवल जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है. तो अगर हम चेक करें तो स्टॉक वाले लेवल में हमको 3-3 लेजर्स के साथ 3-3 उनके स्टॉक अकाउंट भी बनाने पड़ते हैं, एंड वी हैव टू ट्रांसफर द ओपनिंग क्लोजिंग एंड वी हैव टू क्लोज. So that is very lengthy process and it will require more time in the examination. And हमें exam में अगर आप stock वाला level solve करो या sale वाला level solve करो, अगर आपका correct रहेगा तो आपको 15 marks पूरे मिल जाएंगे. Mark कैसे divide होते हैं? अगर आपके 3 process पूछे गए तो हर process को 5 marks दिए जाएंगे. अगर आप stock वाला level attempt करते हो तो 3 marks आपके process को दिए जाएंगे, 2 marks आपके stock को दिए जाएंगे. तो आज मैं कुछ ऐसा method आपको बताऊँगा जिस मेथड से आपको प्रोसेस कॉस्टिंग जब आप सॉल्व करेंगे वो सॉल्व करने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि पहले प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस आएगा, पहले प्रोसेस में एबनॉर्मल गेन आएगा, पहले प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में कितना ट्रांसफ़र होगा, पहले प्रोसेस में से दूसरा प्रोसेस में जो ट्रांसफ़र होगा उसके उसका CPU क्या होगा. बेसिकली सारे पॉइंट्स आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ. सिंस देखो हम यहाँ पे क्वेश्चंस तो सॉल्व नहीं करने वाले, क्वेश्चंस का सॉल्विंग तो आप काफ़ी अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं कुछ आपको ट्रिक्स बताऊँगा जो आपको एग्जाम में यूज़ करेंगे. तो ये चैप्टर जो प्रोसेस कॉस्टिंग का है इसमें आपको फुल 15 में से 15 मार्क्स मिल सकते हैं. तो हम कुछ प्रोसेस अकाउंट्स बनाने से पहले एक 5 मिनट्स लेके एक वर्किंग नोट बनाएंगे, और वो वर्किंग नोट में हम पूरा आंसर ढूंढ लेंगे कि हमको पहले प्रोसेस में एबनॉर्मल लॉस आएगा कि गेन. फिर बार बार हमें कैलकुलेशंस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो इसलिए हमें फर्स्ट जो ये चेक करना है कि वो वर्किंग नोट क्या है. तो मैं आपको वर्किंग नोट बता रहा हूँ, जस्ट चेक करें. और अब आप कोई भी क्वेश्चन प्रोसेस का सॉल्व करते वक्त ये वर्किंग नोट पहले एक बार ट्राई करें, बना के देखें, और बनाने के बाद जब आप प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तब आप ये वर्किंग नोट को रेफर करें, तब आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली वॉट एवर आंसर यू आर गेटिंग इन द प्रोसेस द सेम आंसर इज रिलेटेड टू योर स्टेटमेंट ऑफ यूनिट्स. तो इस वर्किंग नोट का नाम है स्टेटमेंट ऑफ यूनिट्स. देखो स्टेटमेंट ऑफ यूनिट्स इसीलिए नाम दिया है कि इस पूरे वर्किंग नोट में हमें एक भी अमाउंट नहीं लिखनी है. आई रिपीट, इस पूरे वर्किंग नोट में हमें एक भी अमाउंट नहीं लिखनी है. हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हमें यहाँ पे सिर्फ यूनिट्स लिखना है. वी नीड टू राइट ओनली यूनिट्स. और ध्यान रखना ये वर्किंग नोट का जो ओवरऑल प्रोसीजर है टू प्रिपेयर, ये इस सीक्वेंस में जाएगा. इस सीक्वेंस में जाएगा मतलब आपको इनपुट पहले ए में लिखना है, फिर ए से कंटिन्यू करके जैसे मैंने एरो मार्क दिखाया आपको, ए से एडिशनल इनपुट पहले में कभी होता नहीं है, फिर सेकंड में, फिर टोटल इनपुट आएगा. समझो आपका इनपुट 100 है, आपका एडिशनल इनपुट पहले में नहीं होता है, तो आपका टोटल इनपुट कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा. फिर आपका नॉर्मल लॉस आपको पेपर में दिया जाता है, 10% नॉर्मल लॉस है. नॉर्मल लॉस एक्चुअली दो टाइप का होता है, एक होता है वेट लॉस और एक होता है स्क्रैप लॉस. अब वेट लॉस और स्क्रैप लॉस आपको कैसे पता चलेगा,
अगर आपके क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस दिया है 5% और कहीं पे भी स्क्रैप का रेट ही दिया नहीं है, जैसे इट इज़ बीन मेंशन दैट स्क्रैप रेट या द वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट इज़ ₹1 ₹2, अगर आपको सिर्फ परसेंटेज दिया कि नॉर्मल लॉस इज 5% लेकिन स्क्रैप का रेट कहीं नहीं दिया है, तो उसको हम वेट लॉस बोलेंगे। तो समझो एक एग्जांपल लेते हैं, 100 पे 10%, दैट विल बी 10। तो आपको 10 का वेट लॉस दिया है, एंड सिमिलरली आपको स्क्रैप लॉस भी दिया है 10 का। तो 100 में से 10 का वेट लॉस, 10 का स्क्रैप लॉस, तो 100 में से 20 माइनस होगा। तो 100 में से अगर 20 माइनस होगा तो आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना आएगा, 80 आएगा। फिर आपको एक्चुअल आउटपुट देखना है आपके क्वेश्चन में, वो एक्चुअल आउटपुट आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। से फॉर एग्जांपल आपको एक्चुअल आउटपुट 70 दिया है क्वेश्चन में, दिस इज एन एग्जांपल आई एम टेकिंग सो दैट आपका ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। सो एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें 80 मिला। कैसे मिला हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट 80? हमारा इनपुट था 100, हमारा नॉर्मल लॉस वेट लॉस और स्क्रैप लॉस मिला के 20 था, तो 100 में से 20 गया, 80 बचा। एक्चुअल आउटपुट हमारा है 70, तो 80 में से 70 गया तो आंसर कितना बचता है, 10 बचता है। तो अगर आपको आंसर पॉजिटिव मिल रहा है, देखो 80 माइनस 70 कितना मिल रहा है, 10। अगर आपको आंसर पॉजिटिव मिल रहा है तो उसे हम एबनॉर्मल लॉस के नाम से जानते हैं। और अगर आपको आंसर नेगेटिव आएगा, अगर यहाँ पे 80 है नीचे 90 रहता तो आंसर 10 नेगेटिव आता, तो उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल गेन। ये है सिंपल फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ यूनिट्स। तो स्टेटमेंट ऑफ यूनिट्स में पहले आपको ए सॉल्व करना है पूरा, फिर बी सॉल्व करना है, फिर सी सॉल्व करना है। ए बी सी साथ में सॉल्व मत करना, आंसर गलत आ जाएगा। तो पहले ए सॉल्व करना है, फिर बी सॉल्व करना है, फिर सी सॉल्व करना है। फिर हम सेकेंड वाले जब प्रोसेस में जाएंगे, तो सेकेंड वाले प्रोसेस में क्या करना है आपको, जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्चुअल आउटपुट था, फर्स्ट स्टेटमेंट में जो एक्चुअल आउटपुट मिला है वो यहाँ पे लिखना है। दैट इज द इनपुट, फर्स्ट स्टेटमेंट का आउटपुट, सेकेंड स्टेटमेंट का इनपुट, सेकेंड स्टेटमेंट का आउटपुट, थर्ड स्टेटमेंट का इनपुट। तो ऐसे बेस पे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट में एडिशनल आउटपुट हो सकता है, फिर अगेन सेकेंड स्टेटमेंट में आपका नॉर्मल लॉस हो सकता है, वेट लॉस, स्क्रैप लॉस, और अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड आउटपुट, अगेन वी हैव टू मैच यूर एक्सपेक्टेड आउटपुट विद द एक्चुअल आउटपुट, एंड फिर से अगर आंसर पॉजिटिव निकला तो वो क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस, और अगर नेगेटिव निकला तो क्या होगा, एबनॉर्मल गेन। ये फर्स्ट लेवल है। और अगर सोल्ड और ट्रांसफर आया, सोल्ड और ट्रांसफर हमें क्वेश्चन में देते हैं सोल्ड 20%, ट्रांसफर 80%, तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, परसेंटेज लिखना है। सोल्ड समझो 20% दिया, ट्रांसफर 80% दिया। तो आप अभी कन्फ्यूज होंगे, ये सोल्ड 20% और 80% किसका ढूंढना है, याद रखना हमेशा एक्चुअल आउटपुट का। तो एक्चुअल आउटपुट जो भी रहेगा आपका, उसका परसेंटेज ढूंढना है सोल्ड का, उसका परसेंटेज ढूंढना है ट्रांसफर का, और ये ट्रांसफर जो रहेगा वो सेकेंड प्रोसेस का इनपुट बन जाएगा। तो इस बेस पे आपको सॉल्व करना है स्टेटमेंट ऑफ यूनिट्स। स्टेटमेंट ऑफ यूनिट्स एक बार आपने बना लिया तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर ही इसमें आपको मिल रहा है। अब मैं इसको कुछ आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में बनाता हूँ। देखो अगर आपको क्वेश्चन में स्टॉक दिया है, स्टॉक, इफ स्टॉक इज गिवन, तो स्टॉक में हम क्या करते हैं, यही पूरा स्टेटमेंट आपको बनाना है एबनॉर्मल लॉस गेन तक। फिर क्या करना है, एक्चुअल आउटपुट लेना है, उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस करना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, तो आपको ट्रांसफर की वैल्यू मिल जाएगी। एक्चुअल आउटपुट लेना है, फिर उसमें क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक को प्लस करना है, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है, तो आपको मिलेगा ट्रांसफर, ट्रांसफर की वैल्यू आपको मिल जाएगी स्टॉक की लेवल। बट मैं प्रीफर करूंगा कि आप स्टॉक की लेवल अटेम्प्ट ना करें, बिकॉज थोड़ी लेंदी है। अब जो मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ यूनिट्स बना के दिखाया था, वही स्टेटमेंट ऑफ यूनिट्स को हम अगर पैराग्राफ फॉर्मेट में देखें तो क्या होगा, वही है। देखो आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, पहले हमें इनपुट लेना है, फिर हमें एडिशनल इनपुट उसमें प्लस करना है, फिर हम क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस माइनस करेंगे, फिर आंसर आएगा एक्सपेक्टेड आउटपुट, फिर एक्सपेक्टेड आउटपुट को एक्चुअल आउटपुट के साथ माइनस करेंगे। सिंपल है, इनपुट प्लस एडिशनल इनपुट, उसमें से नॉर्मल लॉस अगर आप माइनस करोगे तो आएगा एक्सपेक्टेड आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट में से आप अगर एक्चुअल आउटपुट माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, एबनॉर्मल लॉस या फिर गेन, वही पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आया तो एबनॉर्मल लॉस, नेगेटिव आया तो एबनॉर्मल गेन। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, पॉजिटिव आया तो एबनॉर्मल लॉस, नेगेटिव आया तो एबनॉर्मल गेन। सो दिस इज द ओवरऑल थियरी
इसी बेस के ऊपर मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो अगला लेक्चर मेरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग होगा, जो स्टेटमेंट ऑफ यूनिट्स कैसे बनाते हैं, बिकॉज थियोरी सिर्फ सुन सुन के इतना बेसिकली आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर नहीं होंगे, बट आई विल ट्राई टू प्रिपेयर वन प्रैक्टिकल एंड दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू टू क्लियर योर स्टेटमेंट ऑफ यूनिट्स। दैट्स इट, दिस वॉज द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, सो दैट उनको भी ये जो स्टेटमेंट ऑफ यूनिट्स का फंडा है वो समझ में आ जाए। और प्रोसेस कॉस्टिंग का प्रोसेस आना बनाने से पहले ही आपको अपने आंसर्स पता चले। अगला जो वीडियो आएगा वो इसी प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर सेकेंड सीरीज होगा, और जिसमें हम प्रोसेस कॉस्टिंग का स्टेटमेंट ऑफ यूनिट सीखेंगे। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके सॉल्व करवाऊंगा कि किस बेस पे होता है। दैट्स इट।